बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ से अखिलेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने मथुरा हिंसा से लेकर सूबे में हुए घोटाले को लेकर अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि एसपी सरकार के राज में कई घोटाले हुए हैं, यादव सिंह से लेकर कई दूसरे घोटालों में एसपी सरकार खुद लिप्त है। वहीं मथुरा हिंसा पर अमित शाह ने कहा कि मथुरा की घटना से पूरा देश स्तब्ध है। वहीं अमित शाह ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बचाव किया। अमित शाह ने कहा कि केशव पर जो भी मुकदमे दर्ज हैं वो राजनीतिक हैं और उनके पीछे एसपी और बीएसपी का हाथ है। अमित शाह ने कहा कि हमारे यहाँ कोई राम वृक्ष नहीं है। वहीं अमित शाह ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्र की नीतियों को सही तरीके से लागू नहीं कर रही। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर अमित शाह ने प्रतिक्रिया दी। अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए लेकिन इस सर्वसम्मति या फिर कोर्ट के आदेश पर बनना चाहिए। चौदहवीं वित्त आयोग का जो धन भेजा गया है 75 जिलों में से 40 जिलों में डीपीआरओ तक नहीं बना है और वो कह रहे हैं हमारे पास धन नहीं है। भारत सरकार ने धन उपलब्ध कराने के लिए जो डीपीआरओ बनाना है वो नहीं बना है। मंडी का क्या धन का भी नकारात्मक उपयोग हुआ है। जो ई रजिस्टर बनाने थे मजदूरों के बैंक अकाउंट के वो नहीं बनाए हैं जिसके कारण उसका भुगतान नहीं हो रहा है और वो ठिकरा भारत सरकार पर फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मनरेगा के मजदूरों को रोजगारी नहीं मिल रही है तो उसका एक कारण है उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इसकी इनके ई रजिस्टर जो बनाने हैं वो नहीं बनाए हैं और इसके कारण मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है और अपराधी मुकदमा मुझ पर लंबित नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी का जहां तक सवाल है मुकदमे किस तरह से हुए हैं उसका महत्व है। राम वृक्ष और एक सोशल वर्कर के बीच में फर्क किसी को मालूम पड़ना चाहिए। मुकदमे किस लिए है उसका भी महत्व है और सपा बसपा ने बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक मुकदमे करने का काम किया है मगर हमारे यहां कोई राम वृक्ष नहीं है। भैया आपको इतना अंतर समझ में आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के मुद्दे को फिर से लाया जाए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या इस पर चर्चा होगी? एक बार नहीं चाहता है क्या राम मंदिर के मुद्दे को एक बार? आपको कौन कहेगा नहीं चाहता है? भारतीय जनता पार्टी कौन कहेगा? नाम बताओ तो मैं जवाब दूं। राम जन्मभूमि हमारे चुनाव घोषणा पत्र का मुद्दा है ही। इसमें हमने स्पष्ट किया है राम जन्मभूमि पर मंदिर निश्चित बनना चाहिए मगर सभी की सहमति से बनना चाहिए या अदालत के आदेश से बनना चाहिए। ये हमारा स्टैंड फर्म है। वहीं यूपी सरकार ने मथुरा हिंसा के न्यायिक जांच के आदेश दिए। इलाहाबाद के रिटायर्ड जज इम्तियाज मुर्तजा की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया है। जांच आयोग बनाने के मामले पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि हमेशा यूपी सरकार दो ही रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में जांच आयोग क्यों बनाती है? विपक्ष सवाल उठा रहा है कि यूपी सरकार विष्णु साय और इम्तियाज मुर्तजा को जांच क्यों सौंपती है? अभी तक इंक्वायरिंग कमिश्नर अलीगढ़ कर रहे थे मगर शासन ने उसको बदल दिया है और सिंगल मेंबर इंक्वायरी कमिश्नर शासन ने आदेश निर्गत कर दिए। जुडिशियल का भी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज और जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा चेयरमैन है सिंगल मेंबर कमीशन के, ये आदेश जारी हो चुके अब वो इंक्वायरी करेंगे। ये कमिश्नर की इंक्वायरी अपने चुनी बाइट तक हो जाएगी, उसी के साथ जुड़ जाएगी। अनुराग चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए निहारिका, जिस तरीके से इस मामले में एक और कमेटी बनाई गई है तो उसके बाद कहीं ना कहीं लगता है कि एक तो यूपी सरकार समाजवादी पार्टी सरकार के पास केवल दो ही नाम है, एक तो जस्टिस सहाय और जस्टिस मुर्तजा। यूपी में और भी कई जस्टिस हैं जो इस मामले में की जांच कर सकते थे लेकिन जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में रहती है और कोई भी ऐसी जांच होती है जिसमें यूपी सरकार या तो संलिप्त रहती है या यूपी सरकार उसमें घिर सकती है तो इसी तरह के जो उनके इस तरह से कहा जाएगा कि पेरोल के जो जजेस हैं उनको लगाया जाता है। तो पहली बात तो ये कि जो उनकी जो विपक्ष है वो इस तरह का आरोप लगा रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो नीयत है वो ठीक नहीं है, अपने लोगों से वो जांच करा रही है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है कि
अब जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया, दरअसल ये कहना गलत होगा, उस याचिका को खारिज कर दिया है। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलाहाबाद जाकर जो याचिका करता है वहां पर वो याचिका दाखिल करे, क्योंकि ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो अभी जो मुश्किलें हैं निहारिका वो कम नहीं हुई हैं। जी धन्यवाद जानकारी देने के लिए।